हेलो गाइस, वेलकम टू वाई ग्रुप स्पेशल। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स की वैकेंसी कब आने वाली है, नोटिफिकेशन कब आएगा, अप्लाई जो रजिस्ट्रेशन है वो कब करेंगे हम, और एज लिमिट क्या होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली एज लिमिट, एज लिमिट क्या होगी इस बार एयरफोर्स की। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है, वो आने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून की फर्स्ट वीक में जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाला है। ठीक है गाइस, फर्स्ट वीक में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो आप लोग अप्लाई करोगे वो अप्लाई होगा जुलाई की फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपना फॉर्म। उसके बाद हम बात करें कि जो आप लोगों की एज लिमिट होने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली एज लिमिट, वो एज लिमिट होगी आप लोगों की 1 जुलाई 1999 से लेकर 10 जुलाई 2003 के बीच में आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। अगर DOB आप लोगों की अगर 1 जुलाई 1999 से लेकर 10 जुलाई 2003 के बीच में है तो आप लोग इसके लिए लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि इसमें डेट का थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसकी जगह पे ये भी आ सकता है कि 10 जुलाई भी आ सकता है 1 जुलाई की जगह पे। तो गाइस थोड़ा बहुत एक्यूरेट नहीं बताया है मैंने, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन रखिएगा और आप लोग तैयारी अगर इसके आसपास भी है तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। 1 जुलाई 1999 से लेकर 10 जुलाई 2003 के बीच में अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। और बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है इस बार ग्रुप एक्स और वाई की। अगर आप लोग ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों के पास क्या है, 10+2 होना चाहिए। आप लोगों के पास 10+2 होना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ आप लोगों का 10+2 होना चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ आप लोग पास होने चाहिए। कम से कम आपके मिनिमम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है गाइस, और अगर आप लोगों के पास 10+2 नहीं है, अगर 10th है तो आप लोग के पास अगर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट किसी से अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है और 50% मार्क्स मिनिमम है आपके पास इंग्लिश में, तो आप लोग इसके लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ग्रुप एक्स की, ग्रुप एक्स की बात करते हैं अब हम। तो ग्रुप एक्स में क्या होने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, अगर आपके पास सॉरी ग्रुप वाई के लिए आप लोगों को क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो ग्रुप वाई में आप लोगों के पास 10+2 होना चाहिए, 10+2 आप लोगों के पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और इंग्लिश में भी कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आप लोगों को। और अगर आप लोग PCM में नहीं हो, अगर आप लोगों के पास फिजिक्स मैथ है तो उसके साथ आप केमिस्ट्री हो आपके पास, या फिर बायोलॉजी हो, ये सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो आप लोग एलिजिबल हो ग्रुप वाई के लिए। तो गाइस जो मेन चीज़ थी डेट ऑफ बर्थ यानी कि एज लिमिट, 1 जुलाई 1999 से लेकर 10 जुलाई 2003 के बीच आप लोगों की जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी मैंने बताई दी है, और जो फॉर्म है वो आप लोगों के जो भरे जाएंगे वो जुलाई में भरे जाएंगे, जुलाई के फर्स्ट वीक में, और जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, वो फर्स्ट वीक ऑफ जून को आ जाएगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कर दीजिए, और आगे भी ऐसी वीडियो यूजफुल वीडियो अगर आप लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स के बारे में अगर आप लोग और जानकारी चाहते हो तो आप लोग हमारा जो चैनल है वाई ग्रुप स्पेशल उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम बहुत जल्द एयरफोर्स के लिए तैयारी करने के लिए हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, तैयारी आप लोगों को कराएंगे हम अभी। ये समझ लीजिए अब स्टार्ट होने वाला है बैच, तो आप लोग उस ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हो उसके लिए। थैंक यू गाइस, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।